चलो हो गए बेटा। यस सर। ठीक है, राइट डाउन वन क्वेश्चन। राइट डाउन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस सर्क्यूलर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सर्क्यूलर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 54 माइक्रो टेस्ला 54 माइक्रो टेस्ला। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेम करंट कैरिंग कंडक्टर व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट सेम करंट कैरिंग कंडक्टर same current carrying conductor at its center ठीक है। problem लिख दिया। yes no yes sir yes sir ठीक है। तो आपको एक circular current carrying conductor given है जिसकी radius 3 सेंटीमीटर है और सेंटर से लेके 4 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 54 माइक्रो टेस्ला। मतलब एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आपको सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। निकालोगे, बी एक्सिस इज गिवन, रेडियस इज आल्सो गिवन, एक्स इज आल्सो गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड माइक्रो माइक्रो है मतलब ऊपर माइक्रो नीचे माइक्रो तो कैंसिल होगा माइक्रो। जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करो। क्यों जरूरत नहीं है बताऊंगा मैं, ठीक है? ट्राई करो। सर 250 बोलो कितना है बेटा आंसर? 250
250 इज द आंसर. बहुत सही बेटा, बहुत सही. किसका आंसर है? रोशन. रोशन, वेल डन बेटा. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी क्या कर रहे हैं? आदित्य सूर्यवंशी, आदित्य भिंगारे, आदित्य पहले, आर्यन इंगड़े, आविष्कार लौंगे लौंगारे, आयुष कोल, एलरा डिसोजा, प्रसाद जमले, प्रथमेश, साहिल, साहिल डावरे, शार्दुल साबळे, तनिष्क, उद्धव शहर वाले, वैभव. क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? देखिए इधर, हमें प्रॉब्लम में गिवन क्या है, तो प्रॉब्लम में हमें एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है, और जिस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, देखिए दिस इज सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज द रेडियस, एंड इस सेंटर से लेके एक पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पे है, और x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड b एट एक्सिस इज इक्वल टू गिवन है 54 माइक्रो टेस्ला. अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 54 माइक्रो टेस्ला है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी bc इतनी. एंड एज वी नो दैट bc बाय ba, ये रेशियो अभी अभी हमने देखा, ये रेशियो कितना होता है? 1 प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2. तो b एट सेंटर डिवाइडेड बाय b एट एक्सिस कितना है? 54, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, मतलब r इज इक्वल्स टू 3.